कोलकाता में ममता के खिलाफ बीजेपी का मार्च जारी है। बंगाल में बीजेपी का नौबानो चलो अभियान, शुभेंदु अधिकारी और बंगाल पुलिस के बीच झड़प हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सचिवालय जिसका नाम नौबानो है वहां पर जाने के लिए बीजेपी के तमाम एमएलए और कार्यकर्ता निकले हैं, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें रोका जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ऑपोजिशन के लीडर हैं विधानसभा में बंगाल के, और वो इस मार्च को लीड कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने जो चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराकर विजय प्राप्त की थी, और लगातार उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर आक्रामक रहे हैं, और इस बार एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं जा रहा, मुझे जाने दिया जाए क्योंकि मैं ऑपोजिशन का लीडर हूँ, मुझे सचिवालय जाना है, मुझे किस हैसियत से रोका जा रहा है। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि इसी वक्त मैं हाईकोर्ट में मूव करूंगा, हाईकोर्ट में मैं अपील करूंगा कि क्यों हमें जाने से रोका गया है। पुलिस ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी मोटी बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर आगे जाने से रोका जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के साथ यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर जो बहसबाजी हो रही है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उनको आखिरकार किस कानून के तहत रोका जा रहा है। इनके साथ जो तमाम लोग आए हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपोजिशन के लीडर हैं, और बाकी जो तमाम यहां पर एमएलए हैं उन्हें सचिवालय जाने दिया जाए, उन्हें सचिवालय जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि वहां पर जब नहीं हटे और डटे रहे शुभेंदु अधिकारी और तमाम दूसरे जो नेता थे उनको हिरासत में लिया गया, और इस वैन में आप देख सकते हैं कि उनको आगे ले जाया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन्हें भी जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है शुभेंदु अधिकारी को, तो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी इस वक्त वैन में नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोलकाता पुलिस के जो वैन है उसमें शुभेंदु अधिकारी को आगे हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी जो सुनते हैं क्या कह रहे हैं, तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी। आपको बता दें कि जय श्री राम का जो नारा था वो बंगाल चुनाव में एक बहुत अहम नारा बन के निकला था, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो टीएमसी या फिर ममता बनर्जी को देखकर जब जय श्री राम के नारे लगाते थे तो उससे कहीं ना कहीं ममता के जो रिएक्शंस होते थे उसको हर किसी ने टीवी पर देखा था। और यही वजह कि अब भी शुभेंदु अधिकारी को जब रोका गया तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। और ये आप एक और तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो दुर्गापुर हो, इसके अलावा रानीगंज हो, अलग अलग जो इलाके हैं बीरभूम के इलाके हैं वहाँ से वो कोलकाता के लिए आ रहे थे, क्योंकि आज ये मार्च का आयोजन किया गया था जिसमें ममता सरकार के खिलाफ ये मार्च होना था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया, चाहे वो रानीगंज हो चाहे वो दुर्गापुर हो, वहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था, ट्रेनों में नहीं चढ़ने दिया गया। और शुभेंदु अधिकारी जो कि यहाँ पर बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विधानसभा में, वहाँ पर उन्हें भी रोका गया, जब उन्होंने नहीं माना तो उनको हिरासत में ले जाया गया। वहाँ पर उनको हिरासत में लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं वैन में ले जाया गया। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि आखिरकार उन्हें किस कानून के तहत रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ नवानो यानी कि जो सचिवालय है, लेकिन उन्हें भी नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।